Hello guys, my name is Arsalan. Welcome back to my channel, and today we will be learning about HTML entities. So far we have learned so many things about HTML, and today's topic is HTML entities. आज का टॉपिक हमारा है HTML entities, और आज हम देखेंगे HTML entities क्या होते हैं. So let's start the tutorial guys. Or just before starting the tutorial guys, please do subscribe to the channel, hit the like button, press the bell icon button, and bookmark the playlist so that you can get the recent updates from the channel. And so let's start the tutorial. Hamara aaj ka topic hai HTML entities. To HTML entities kya hoti hain gi? HTML entities mein batata hu aapko kya hoti hain. Reserved character in HTML must be replaced with character entities. To main yahan par ek jaldi se ek boilerplate bana leta hu, aur yahan par main likhta hu ga HTML entities, HTML entities, और उसको सेव करता हूँ मैं. ठीक है, और फिर मैं अगर आपको एक पैराग्राफ लूँ यहाँ पर, और पैराग्राफ में मैं लिखूँ वन इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, और मैं इसको गो लाइव करूँ. ठीक है, तो ये ऐसा लिखा हुआ आ गया है. ये तो मैंने इसको वर्डिंग्स में लिख दिया है. वॉट अबाउट अगर हम इसको सिंबल में लिखना चाहूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, तो ये जो है ये वर्क नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जो है ये वाले कैरेक्टर्स जो है ये ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. और अगर मैं ऐसे बोलूं टू इज लेस देन, टू इज लेस देन फोर, तो देखिए आप ये राइट बना हुआ आ रहेगा. तो रेड बना हुआ क्यों आ रहा है का? मैं आपको बताता हूँ. रेड इसलिए बना हुआ आ रहा है का? क्योंकि ये जो है ये सिंबल इसमें यूज हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर भी यूज हो रहा है, यहाँ पर भी यूज हो रहा है, तो ये वाला सिंबल जो है ये क्लोजिंग टैग के लिए यूज हो रहा है, इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा है. तो एंटिटीज यही होती है कि हम ऐसे कैरेक्टर्स को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे. हम कुछ रिजर्व एंटिटीज होती है उसका यूज करके हम इसे यूज कर सकते हैं. तो एंटिटीज नेम भी होते हैं और एंटिटीज नंबर भी होते हैं. तो मैं आपको बताता हूँ कि एंटिटीज नेम और एंटिटीज नंबर कैसे करेंगे यूज. तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा यहाँ पर, इसको ये जो है हमें ये दे देगा, और मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया. तो मैंने अपना वाला साइन हटा के मैंने ये वाला कॉपी पेस्ट कर दिया, और आप देखिएगा कि ये अब इसको सेव करूंगा तो मैं आप यहाँ पर हमारे पास लेस देन का साइन आ गया, टू इज लेस देन फोर. वही अगर हमें ग्रेटर देन का यूज करना होगा तो हम इसको ग्रेटर देन में इसको GT लिख देंगे यहाँ पर, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा. ठीक है, तो अभी देखिएगा आपकी यहाँ पर ग्रेटर देन टू इज ग्रेटर देन फोर. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर देन का साइन कहाँ गया, ये है हमारा ग्रेटर देन का साइन. इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी किया, और मैं पी की जगह मैं क्या यूज करता हूँ, पी की जगह मैं एच वन यूज कर लेता हूँ. यहाँ पर भी एच वन का एंड टैग लगा देता हूँ, और यहाँ पर मैं टू इज सॉरी फोर इज ग्रेटर देन टू, और इसको सेव करता हूँ. अभी देखिएगा अभी ग्रेटर देन का साइन आ जाना चाहिए यहाँ पर. ये इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो अभी देखिए अब ये फोर इज ग्रेटर देन टू आ गया है. ठीक है, अभी हम इसको अगर मैं इसकी जगह ये लिखूं हमारा कहाँ गया एंटिटी नंबर, अगर मैं ये एंटिटी नंबर लूँ कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पर मैं इसको ऐसे डाल दूँ. ठीक है, और यहाँ पर बोलूँ टू इज लेस देन फोर, तो ये जो है हमारा एंटिटी नंबर है, और ये जो है हमारा एंटिटी नेम है. यहाँ पर आप नंबर देख रहे हैं और नेम देख रहे हैं, तो दोनों सेम चीज़ है. इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से ये हटा देता हूँ और यहाँ पर लेके आ जाता हूँ. ठीक है, सॉरी, अभी देखिएगा मैं इसको सेव करूंगा तो आप यहाँ पर हमारे पास दोनों सेम चीजें आ गई हैं. तो मैं इसको अभी दिखाना चाहता हूँ, यही चीज बताना चाहता हूँ कि हम एंटिटी नेम से भी यूज कर सकते हैं और एंटिटी नंबर से भी यूज कर सकते हैं. बट एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि एंटिटी नंबर और एंटिटी नंबर, एंटिटी नेम और एंटिटी नंबर में क्या फर्क होता है. तो ये एंटिटी नेम है, ये एंटिटी नंबर है.
ये ग्रेटर ये लेस देन का साइन होता है, ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ठीक है। लेकिन हम दोनों अलग, दोनों जब सेम चीज हैं तो हम इसको अलग अलग जगह क्यों यूज करते हैं, मतलब ये तो अब सेम चीजें तो अलग अलग नंबर और नेम से क्यों इनको डिफाइन किया गया है, मैं इसकी चीज बताता हूँ। तो इसका एडवांटेज क्या होता है गा? तो मैं बताता हूँ, इफ यू सी द लेस देन कैरेक्टर ग्रेटर देन सिंटैक्स द ब्राउज़र माइट मेक्स नेम कैरेक्टर एंटिटी दैट यूज्ड टू डिस्प्ले रिजर्व कैरेक्टर इन एचटीएमएल एंटिटी नेम और एंटिटी नंबर। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एन एंटिटी नेम, एंटिटी नेम इज इजी टू रिमेंबर। एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग एन एंटिटी नेम, ब्राउजर में नॉट ऑल सपोर्ट एंटिटी नंबर नेम्स बट ऑल सपोर्ट फॉर। तो यहाँ पर मेन पॉइंट इसका आर्ग्यूमेंट यही है कि ये जो है ये इसका एडवांटेज ये है नेम का कि इसको रिमेंबर आसानी से कर सकते हैं, और नंबर को रिमेंबर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है नेम का कि कोई कोई से ब्राउजर्स जो होते हैं इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन नंबर को मोस्ट ऑफ द ब्राउजर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यही होता है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस फॉर एंटिटीज नंबर एंटिटीज नेम्स। तो ये दिस इज नंबर, दिस इज नेम, सो दिस इज नेम एंड दिस इज नंबर, एंटिटीज नंबर एंटिटीज नंबर एंड नेम्स। तो दोनों में डिफरेंस यही होता है कोई सा ब्राउज एंटिटीज नेम्स जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेता हैंगे, सॉरी आइडेंटिफाई कोई से ब्राउजर नहीं करते हैंगे। एंटिटीज नंबर जो होते हैं उनको ज्यादातर ब्राउजर जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसलिए हम एंटिटीज नंबर को प्रेफर करते हैंगे। लेकिन अभी हमें देखिए आप नए नए थोड़े से एग्जांपल्स हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, लेस देन का ये है, ग्रेटर देन हमें लगाना तो हम ये लगाएंगे। हमें अगर एंड लगाना है किसी चीज में, फॉर एग्जांपल 2 एंड 4, तो ये लगा सकते हैं। हमें कोटेशन मार्क लगाने हैं, डबल कोटेशन मार्क, तो हम एंड कोट लिख देंगे यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐसे, एक मैं H3 लेता हूँ, दिस इज माई नेम, ठीक है। और इसको मुझे कोटेशन मार्क में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? अभी तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ और इसको सेव करके देखो, दिस इज माई नेम आ रहेगा। लेकिन मुझे कोटेशन मार्क लगाना है, तो मैं कैसे लगाऊंगा? तो मैं कोटेशन मार्क के लिए मैं एंड कोट लिखूंगा, ये लिखा है हमारा एंड कोट, Ctrl Z एंड Ctrl C, और मैं यहाँ पर एक कोट लगाऊंगा ऐसे। तो अभी देखिएगा आप, ये कोटेशन मार्क यहाँ बना हुआ आ गया। तो हमें एंड कोट के लिए यहाँ पर भी एक पेस्ट कर दूंगा, और ये आ गया हमारा, दो कोट आ गए हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा कोटेशन मार्क के अंदर आ गया है। तो इसलिए ये चीज़ हेल्पफुल होती है कि अगर हमें कोई सी चीज एंटिटी लगाने का यही फायदा होता है। तो सिंगल कोट के लिए हम एपॉस लिखेंगे, डबल कोट के लिए हम कोट लिखेंगे, और भी एंटिटीज होती हैं, हम गूगल पे सर्च करके आप जो है, मतलब इनको याद करने की आपको जरूरत नहीं है, कि ये तो मैंने एक रेफरेंस के लिए लिया है, आप नेट से इसको देख सकते हैं। नेट से देख के आप इसको जैसे भी, अगर आपको सेंड का करना है तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको यूज करना है तो आप नेट से सर्च करिए सेंड का एंटिटी का नेम क्या होता है, आपको मिल जाएगा। बहुत से एंटिटीज नेम होते हैं, जैसे कि कॉपीराइट, से हम फुटर में कॉपीराइट का लगाते हैं, ये लगा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन रजिस्टर का ये लगा सकते हैं, REG एंड MREG। तो एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि जो हमारे एंटिटी होते हैं ये केस सेंसिटिव होते हैं। अगर अगर मैं यहाँ पर Q, स्मॉल Q की जगह कैपिटल O, कैपिटल Q करूँ और इसको सेव करूँ, तो देखिए अब ये वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये केस सेंसिटिव होते हैं। देखिए अब ये आ गया, तो ये केस सेंसिटिव होते हैं, ये स्मॉल में ही लिखा जाएगा जब भी वर्क करेगा। तो ये एक मेन पॉइंट है, मतलब की पॉइंट है कि इसको जब भी लिखे तो ये केस सेंसिटिव होते हैं। तो केस सेंसिटिव में ध्यान रखते हुए आप लोअर केस में ही लिखे जाते हैं ज्यादातर ये, तो आप इसको लोअर केस में ही लिखिएगा। तो बी केयरफुल वाइल राइटिंग दिस एंटिटीज नेम बिकॉज दे आर केस सेंसिटिव। फिर मैं एक और चीज कुछ और चीज और डिस्कस करना चाहूंगा, इसका नाम है अ डाइक्रिटिकल मार्क इज अ ग्लिफ एडेड टू द लेटर। सम डाइक्रिटिकल मार्क लाइक ग्रेव एंड एक्यूट आर कॉल्ड एक्सेंट्स एसेंट्स। डाइक्रिटिकल मार्क्स में अपेयर बोथ अबव एंड बिलो अ लेटर, इन साइट अ लेटर एंड बोथ एंड बिटवीन टू लेटर्स। डाइक्रिटिकल मार्क्स कैन बी यूज इन कॉम्बिनेशन विद अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स टू प्रोड्यूस अ कैरेक्टर दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द कैरेक्टर सेट इन कोडिंग व्हिच इज व्हेन इट इज यूज्ड इन द पेज।
ओके, तो अगर हमें ऐसा कुछ नंबर लिख ऐसा कुछ कैरेक्टर लिखना है, ये हमें इसके ऊपर ऐसा लगाना है डाइक्रिटिकल मार्क, ठीक है, और ऐसे नंबर लिखना है, ऐसा ना ऐसा कैरेक्टर लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? उसके लिखने के लिए ये होते हैं डाइक्रिटिकल मार्क्स, ठीक है। ये इसकी मैंने लिस्ट जो है नेट से ली है, मैंने खुद मुझे खुद याद नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि ये याद करने की ज़रूरत है, याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। अगर इसको अगर काम है तो आप नेट से सर्च करिए और इसको कॉपी पेस्ट करके अपने अपनी वेबसाइट में यूज़ करिए। इसका कोई काम हो तो, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये लगाना हो तो मैं कैसे यूज़ करूँगा इसको, मैं ये वाला लिखूँगा ए और इस पे ये लिख दूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये, ठीक है। मैं लगाना चाहता हूँ ए के ऊपर ये वाला मार्क, ऐसा मार्क। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला ए के साथ मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। कभी देखिएगा आप ये, सॉरी मैंने ये वाला चूज करा, इसके साथ अगर ये लगाना है मुझे तो मैं क्या करूंगा, ए के साथ इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी देखिएगा आप, ये हमारा ये आ गया है, ओके। सिमिलरली अगर हमें बी के साथ चाहिए तो हम बी के साथ क्या करेंगे, बी बी को दिखाते हुए यहाँ पर मैं बी लिख दूंगा और इसको सेव करूंगा, तो आप देखिएगा बी के ऊपर आ जाएगा ये, ठीक है। ये बी के ऊपर आ गया, ऐसा सी के ऊपर करना है तो सी के ऊपर भी आ सकता है, डी के ऊपर करना है डी के ऊपर आ सकता है। तो ये सारे जो हैं डाइक्रिटिकल मार्क्स होंगे, इसको आपको अगर यूज करना है अपनी वेबसाइट में तो आप कर सकते हैं। वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि क्या है। सो दिस वॉज यूजफुल वाइल वी आर राइटिंग द ग्रेटर एंड ये लेस देन साइन, और वी हैव टू यू इफ वी हैव टू यूज हमें कॉपीराइट का मार्क यूज करना है या रजिस्ट्रेशन का मार्क यूज करना है। ये चीज होती है मेन इंपॉर्टेंट चीज जो हम अपनी वेबसाइट में यूज करते हैं। मेन इंपॉर्टेंटली हम कॉपीराइट का जो सिंबल है वो हमेशा यूज ज्यादातर यूज करते हैं फुटर में, कि हमें हमारा जो वेबसाइट है वो उसका कॉपीराइट हमारे पास है, तो ये हम इसके लिए यूज करते हैंगे। और इसके लिए हमारे पास एंटिटी नेम भी है और एंटिटी नंबर भी है, दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रिफरेबल क्या होता है कि एंटिटी नंबर यूज करें, क्योंकि एंटिटी नंबर्स क्या होता है ज्यादातर ब्राउजर्स हेल्प करते हैंगे, मतलब वो हेल्प नहीं करते हैं, मींस रिकॉग्नाइज करते हैंगे, ज्यादातर ब्राउजर्स जो है उसको अलाउ करते हैं चलाने के लिए। सो दिस वाज ऑल इन दी ट्यूटोरियल गाइस, आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट हियर एंड यू हैव अंडरस्टूड दी कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिटीज नेम एंड एंटिटी नंबर एंड होल कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट आर एंटिटीज। So I hope you have liked the video. If you have liked the video, please guys to comment in the comment section that you have liked the video. And of course, like the video, hit the like button, press the bell icon button, and bookmark the playlist. Thank you guys for watching the video. See you next time.